हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स यहाँ पर कैसे, मतलब वैसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि सॉल्ट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पर एक जनरल वाला जो हमने इस चैप्टर में सीखा है दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम एसिड को, If I react acid with base, तो हम क्या obtain कर सकते हैं वहां पर, salt plus water हमको वहां पर मिल सकता है, right? तो अगर अब यहाँ पर ये जो salt है इसका nature क्या क्या हो सकता है, so the salt can be, ये acidic भी हो सकता है, ठीक है, this salt can be basic भी हो सकता है ये, और या फिर ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। याद रखें, सॉल्ट के नेचर जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑल ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्टिंग। देख लेना, अगर एसिडिक सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो याद रखें कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करना होगा वीक बेस के साथ, सो दैट एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर विल बी ऑब्टेन, ठीक है। और अगर हम उल्टा कर रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ऐसे में हमको बेसिक सॉल्ट मिलेगा अलोंग विथ वाटर। और अगर हमने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया और बेस को भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो इसमें न्यूट्रल सॉल्ट ऑब्टेन होता है विथ वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl रिएक्टिंग विद अ वीक बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा ये MgCl2 अलोंग विद H2O, ठीक है, ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। ऐसे ही वीक एसिड ले लो, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड रिएक्टिंग विथ अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म होगा, देखो सोडियम का कार्बोनेट फॉर्म होगा Na2CO3 अलोंग विथ H2O, ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो इक्वेशंस है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, HCl रिएक्टिंग विद NaOH क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ऐसे आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल HCl की जगह मान लो H2SO4 ले लो और NaOH की जगह KOH ले लो, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, K2SO4 प्लस H2O, है ना। ये सब कौन से सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। तो याद रखे, जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है, सॉल्ट का जो नेचर है एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा, ओके। तो यहां पर हमको चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक में हमको कुछ सॉल्ट्स को हमको पढ़ना है, जैसे कि हमको एक सॉल्ट जो दिया हुआ है पहला वाला NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो हो गया इसका केमिकल नेम, इसके अलावा इसका जो कमर्शियल नेम क्या है, कमर्शियल नेम है इसका कॉमन सॉल्ट, है ना, या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। तो ये सोडियम क्लोराइड एक्चुअली अब हमको मतलब बहुत कह सकते हो कि आसानी से हमको सोर्स ओशन से या फिर रॉक सॉल्ट से NaCl तो मिल जाता है, राइट। तो NaCl को यूज़ करके वैसे हम और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स भी बना सकते हैं, तो वो इस चैप्टर में या इस पार्ट में आपको ज़्यादा पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, NaCl में हम करंट पास करेंगे और या कहो तो NaCl सॉल्यूशन के अंदर,
तो यहां पर विल बी हैविंग NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है याद रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन जब भी दिया हो तो नमक, NaCl वाले नमक का सॉल्यूशन, नमक तो वैसे बहुत सारे हो गए, NaCl के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके अंदर हमको पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो हमने ये ले लिया एनोड कैथोड, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रॉड। सो दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज एनोड, और जो नेगेटिव है वो बन गया कैथोड। अब क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास Na प्लस है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है Na प्लस है, और क्या है Cl माइनस है। Na प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव रॉड के पास, और नेगेटिव आयन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव रॉड के पास। तो यानी ये जो एनायन है वो एनोड के पास जा रहा है, कैटायन है वो कैथोड के पास जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, Cl माइनस अपना ये इलेक्ट्रॉन जो एक्वस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये क्लोरीन का एटम बन जाएगा। इट विल वेट फॉर अनदर क्लोरीन एटम, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, फाइनली Cl2 के बबल्स यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे नियर द एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केमिकल बना क्लोरीन। और देखते हैं एक और, जैसे कि ये जो माइनस रॉड है या जिसको हमने कैथोड कहा है, वहाँ पे कौन जाएगा, Na प्लस। Na प्लस अगेन एक्वस फॉर्म में है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बन जाएगा, सॉलिड सोडियम बन जाएगा। और ये सॉलिड सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके और फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। देखो तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स यहाँ प्रोड्यूस हो गए, इधर है क्लोरीन, यहाँ पे फॉर्म हुआ एक एल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक इंपॉर्टेंट गैस दैट इज हाइड्रोजन। सो सिंस यहाँ पर क्लोरीन और एल्कली प्रोड्यूस हुआ है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रोड्यूस हुए उनके भी यूजेस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का यूजेस की बात करा जाए तो हाइड्रोजन का यूज़ क्या क्या है, वैसे ये बहुत अच्छा फ्यूल है, डोमेस्टिक लेवल पे हम नहीं यूज़ करते क्योंकि क्या करता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, बहुत एक्सीडेंटल भी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। और क्या यूज़ है, ये H2 को अगर हम नाइट्रोजन से मिलाएं तो अमोनिया बन सकता है, और वो अमोनिया फर्टिलाइजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। तीसरा यूज कह सकते हो आप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो जैसे बटर होता है, ये आर्टिफिशियल बटर है जो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट के को यूज़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। मार्गरीन में भी हाइड्रोजन अगर हम ऑयल में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर मार्गरीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद यूजेस ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन के यूजेस में क्या क्या है, देखो क्लोरीन जो है ना बहुत ही मतलब इट इज़ अ पॉइजनस गैस, तो अगर हमारे लिए पॉइजनस है तो जर्म्स को तो मार ही सकता है, राइट। तो ये वैसे ही वाटर ट्रीटमेंट में सुना होगा आपने, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल को क्लीन करने में इसका यूज किया जाता है, फिर इसके अलावा पेस्टिसाइड, ठीक है। और क्लोरीन का यूज कहाँ पर है, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर या डिसइंफेक्टिंग वाटर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन का यूज है। इसके अलावा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक का वैरायटी है, उसमें भी क्लोरीन जो है वो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है।
तो ये हो गया यूजेस ऑफ क्लोरीन। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके यूजेस में इसको हम मेटल्स का ग्रीस को क्लीन करने के लिए, ग्रीस को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज हो गया डीग्रीसिंग मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पेपर फैक्ट्री में भी इसका यूज है। इसके अलावा ये सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन के लिए भी या प्रोडक्शन के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अब ये इतना ही नहीं, इससे और ज्यादा चीजें देखो, सिर्फ NaCl कितना बेसिक लग रहा था, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से बन रही है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों को भी अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को रिएक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा HCl, अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल। और अगर क्लोरीन और NaOH को अगर रिएक्ट कराया जाए तो इससे भी ब्लीच बनाया जा सकता है, ठीक है। ब्लीच आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग के लिए मेनली यूज होते हैं, तो इनका भी अब यूजेस याद रख लो। HCl किस काम में आएगा, क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करने के लिए HCl का यूज किया जाता है। इसके अलावा और इसका यूज क्या हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में NH4Cl, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री, इसकी फॉर्मेशन में भी HCl यूज होता है। और मेडिसिंस एंड कॉस्मेटिक्स में भी HCl का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम ब्लीच की, तो मैंने अभी बता दिया कि भाई क्लीनिंग के लिए इसका मेन यूज होता है, तो यानी फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स एंड अदर डोमेस्टिक ब्लीचेस, ठीक है, तो ऐसे में ब्लीच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात कर लेते हैं अगले सॉल्ट की जो हमको यहां पर पढ़ना है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, अब नॉर्मल ब्लीच से थोड़ा डिफरेंट है, ब्लीचिंग पाउडर एक स्पेसिफिक सॉल्ट हो जाएगा। अब यहां पे हम जो सेकंड पढ़ने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला है CaOCl2, तो इसका केमिकल नेम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका कमर्शियल नेम है ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये हुआ केमिकल नेम, ये हुआ कमर्शियल या फिर कॉमन नेम, ब्लीचिंग पाउडर, ओके। अब ये बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन देख लो। प्रिपरेशन रिएक्शन में यहां पर हमको लेना होगा स्लेकेड लाइन यानी CaOH ट्वाइस, और इसके ऊपर हमको Cl2 जो है वो गैस पास करना होता है, इससे ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो फॉर्म हो जाएगा, ओके। अब इसका भी यूजेस इंपॉर्टेंट है भाई, यूजेस नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लीचिंग तो इसका पर्पस होगा ही। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत टाइम, काफी टाइम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। और
ये जर्म्स को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है वाटर के अंदर के, ठीक है। तो टू किल जर्म्स एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम देम, तो यानी कि हमको यहां पर क्लीनिंग या वाटर ट्रीटमेंट में हम ब्लीचिंग पाउडर का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले वाले सॉल्ट की, जो हमको नेक्स्ट सॉल्ट यहां पर दिया हुआ है। NaCl हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब मैं यहां पर दो सॉल्ट से एक बार में बता देता हूं। वन इज वॉशिंग सोडा, पहले हम लिख देते हैं बेकिंग सोडा, और दूसरा है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो यहां पर इसको कहा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट, और देखो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, कैन बी कॉल्ड डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब इसमें भी जो इसका यूजेस है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पे आपको ना इसका प्रिपरेशन भी दिया गया है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे NaCl और इसके अंदर हमको वाटर CO2 और NH3 यानी अमोनिया, ठीक है, इनको अगर मिलाया जाए तो ये फॉर्म करते हैं NH4Cl के साथ में NaHCO3, ठीक है। तो यहां पर हमको बेकिंग सोडा वो फॉर्म हो रहा है। यूजेस इसका क्या है देख लो, यूजेस ऐसा है कि भाई बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड को मिलाया जाता है ना, जैसे टार्टारिक एसिड को मिलाया जाएगा तो बेकिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, बेकिंग के लिए कैसा यूज होता है इसका, तो ये केक्स और डोसा, ठीक है, इडली, ये सब चीज़ में मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जब इसको हीट किया जाता है ना तो केक और डोसा जो है वो राइज करता है, फ्लफी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से CO2 गैस निकलता है। तो वो CO2 गैस क्या करता है, अपने रास्ते जहाँ से वो पास होगा उस पार्ट को वहाँ पे पोर्स बनाता जाएगा, जिससे वो इडली डोसा जो भी है वो फ्लफी हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा अगर हम इसको यूज़ करते हैं पकौड़ा बनाने के लिए, है ना, तो वो सब में इसको क्रिस्पी, है ना, उसको क्रिस्पी वाला जो अपीयरेंस है वो भी बेकिंग सोडा देता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके और यूजेस की, तो ये एंटासिड के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एंटासिड के तौर पे कैसे यूज़ हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, तो ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। अगर बेस है तो हमारे पेट की एसिडिटी को भी दूर करने के काम में आ सकता है, ठीक है। अदर देन दिस, क्योंकि इसमें CO2 का रिलीज भी हो सकता है, सो दिस कैन बी यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जा सकता है। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ओके। बात करें अगर हम वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा में Na2CO3 को अगर हम ऐसे ही एयर के अंदर रखें, वो 10 वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करके और ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। और अब ये इसको अगर हम हीट करें अगेन, तो फिर यहाँ से 10H2O अलग भी हो सकता है, ओके। तो अब यहाँ पर जब भी ऐसा वाला सीन रहेगा, जब 10H2O या फिर साथ में ये डॉट के साथ H2O दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये वाटर उसको गीला नहीं कर रहा, ये वाटर किस काम में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
यानी जो सॉल्ट्स के अंदर दो टाइप के नेचर होते हैं, एक अमॉर्फस जिसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होता एटॉमिक लेवल पे या फिर उसके मॉलिकुलर अरेंजमेंट के लेवल पे, ठीक है, तो हम उसको अमॉर्फस कहते हैं, और जिसमें रेगुलर शेप होता है उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो फिलहाल ये जहां भी आपको ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख जाए, समझ लेना है कि भाई वो क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो क्रिस्टलाइन नहीं हो सकता है, मतलब इनफैक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। जैसे अब NaCl, ये भी क्रिस्टलाइन है ना। NaCl के बारे में आप जानते हो कि उसके अंदर उसके यूनिट्स जो है वो क्यूबिकल शेप के हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे Na+, बहुत सारे Cl- रहते हैं, जिसकी वजह से एक वो रेगुलर शेप उनके अंदर होता है। सो दिस इज क्रिस्टलाइन, लेकिन यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, है ना। तो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस है वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और एक जहां पर भी आपको ये दिख जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब कि वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन है, ऑब्वियसली ये भी क्रिस्टलाइन है। देखो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है ये भी, ठीक है। अच्छा, इनके अगर हम यूजेस की बात करें तो वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, आप याद रखना, एक कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, दैट इज बोरैक्स। बोरैक्स बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ बोरैक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, में भी इसका यूज होता है ना। पेपर मेकिंग, ग्लास मेकिंग में इसका यूज होता है। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो ये सॉफ्ट वाटर को, सॉरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। सो इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। वो सोप जो है उसके अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। ओके, इसके बारे में हमको कार्बन कंपाउंड्स में थोड़ा सा पढ़ना है, वहां पर हमको सोप के बारे में हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमारा लास्ट जो सॉल्ट है इस चैप्टर का, दैट इज कौन सा वाला दिया है, यस POP, क्या है भाई ये, पॉप। यस, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है, CaSO4 H2O, CaSO4 H2O। तो अब ये कैसे प्रिपेयर होता है भाई, इसका भी प्रिपरेशन रिएक्शन देख लो। हमको लेना है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 10H2O, और जिप्सम को हम जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फॉर्म करता है CaSO4 H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, इसका केमिकल नेम होगा, ठीक है, अलोंग विथ रिलीज ऑफ 1.5 H2O। अभी वाटर आधा कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, हाफ एच टू ओ बोलने के लिए असल में इसको ऐसे यहाँ पर टू दिखाया जाता है, ठीक है। तो टू दिखाने का मतलब क्या होगा, कि दो CaSO4 के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली एक H2O को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए एक के हिस्से में हाफ आ गया, इस हिसाब से हम यहाँ पर हाफ H2O लिखते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर को यहाँ पर दो पार्ट में काटा गया है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा भाई POP कहाँ यूज होता है, आजकल फॉल्स सीलिंग बनाने के काम में POP का यूज किया जाता है ना। इसके अलावा स्टैचूज बनाने के काम में, है ना, गणपति का स्टैचू, जो भी स्टैचूज है वो बनाने में हम POP का यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर, वैसे वो पोल्यूशन भी करता है, ये बात को याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंटली, हम जो फ्रैक्चर हो जाएगा तो बोन्स को सेट करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ओके, तो होप भाई आप लोगों को ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये टॉपिक काफी टाइम से बचा था, इसको हमने क्लियर कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।